दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल रहे, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी शांति से काम होके डील कर पाएं, बिना गुस्सा किए या कोई ऐसी बात बोले जो आपका कहने का इंटेंशन नहीं था बट आपके मुंह से निकल गई, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि एक्सेसिव एंगर का मेन कॉज होता है रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, वर्क प्लेस का स्ट्रेस या सिंपली एक अनफुलफिल्ड लाइफ, जिसका रिजल्ट होता है गुस्सा, और इसका शिकार फिर हमारे आसपास के लोग बनते हैं। बल्कि कई बार तो लोग अपने गुस्से की वजह से अपने रिलेशंस और इवन अपनी पूरी लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन एक स्टडी में सामने आया कि रोड रेज की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स का मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइम रीजन एंगर ही होता है। मगर हाँ, कभी कभार गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन बेफालतू में छोटी छोटी बात पे हर समय गुस्सा करने से ना ही हमारे गुस्से की कोई वैल्यू करता है और ना ही हमारी। खुद ही सोचो, आखिर कौन एक एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड इंसान को पसंद करता है? हर कोई एक चिल आउट पर्सन के साथ रहना पसंद करता है। तो हम यहाँ उस एंगर की बात कर रहे हैं जो एंगर आपकी डे टू डे लाइफ को खराब करता है, आपके टेम्पर को हमेशा हाई रखता है और कोई भी आपको इजिली गुस्सा दिला सकता है। तो हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिसकी हेल्प से आप अपने एंगर को कंट्रोल कर पाओगे। सो नंबर वन, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। दोस्तों, हम सबका ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे आसपास के लोगों की सोच, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, और हर सिचुएशन का आउटकम हमारे फेवर में नहीं हो सकता, जिस वजह से हमें गुस्सा आता है कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रही। येल यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट इश्यू होता है उनका इम्यून सिस्टम बाकी लोगों के अकॉर्डिंग वीक होता है और उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होती। एक्सेसिव एंगर इश्यूज वाले लोगों को ये लगता है कि उनका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है, पर ये गलत है। लोग हमेशा ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कैसा फील कर रहे हैं, पर वो ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है। इमेजिन, आप रस्ते में कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई आपके सामने गन लेकर आ जाए, तो क्या आप उस पर्सन से गुस्से में बात करोगे, उससे लड़ोगे? नहीं ना, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ और डेथ का मामला है। इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी आप अपने आप जो सही है उस वक्त वैसा रिएक्ट करोगे और उस पर्सन से डर से ही सही पर एक रिस्पेक्टफुल वे में बात करोगे, जो ये दिखाता है कि आप चाहो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकते हो। अब क्योंकि हर कोई आपके गुस्से के बदले तो आपको जान से तो नहीं मार सकता, इसीलिए आप लोगों पे हावी होने की कोशिश करते हो। क्योंकि वहीं अगर आप कहीं बैठे हुए हो और अचानक से कोई आपके शूज पर पैर रख के चला जाए और आपको सॉरी भी ना बोले, तो यहाँ आप उससे लड़ने लगोगे, दिखता नहीं है क्या अंदर ब्ला ब्ला। पर देखा जाए तो यहाँ आप चाहो तो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दो और चुपचाप अपने शूज को साफ कर लो, ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो पर्सन जल्दी में हो और उसने रियलाइज ही नहीं किया हो। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी गुस्सा आए तो एक डीप ब्रेथ लो और ये सोचो कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो और एक बेटर वे में रिएक्ट कर सकते हो। तो डेली लाइफ में इतना लो सेल्फ कंट्रोल मत रखो कि किसी की थोड़ी सी भी गलती से आप काफी गुस्से में आ जाओ। बस ये सोचो कि मैं सब कुछ और लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं खुद को और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, बस यही मैं कंट्रोल कर सकता। डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, रिएक्ट लेटर। यानी कि आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना बल्कि थोड़ी देर बाद रिएक्ट करना है। एक्चुअली साइकोलॉजिकल स्टडी से ये पता चला कि हर सिचुएशन में हमारा ब्रेन दो तरह से एक्ट करता है। जब भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ब्रेन का राइट साइड बिना ज्यादा सोचे समझे इमीडिएटली रिएक्ट करता है, जो कि सभी लोग गुस्से में करते हैं, जस्ट बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। वहीं अगर उस इन्फॉर्मेशन के रिसीव होने के बाद हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जो उस सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, थोड़ा टाइम लेता है, उसके बारे में अच्छे से सोचता है, समझता है और एक बेटर रेस्पॉन्स रेडी करता है, जो पहले वाले केस से हमेशा बेटर होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट वे है अपने रिएक्शन को डिले कर देना और थोड़े टाइम बाद उस पर रेस्पॉन्ड करना। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई गुस्सा दिला रहा हो तो इमीडिएटली उनकी हर बातों पर रिएक्ट करने के बजाय उनकी सारी बातें सुनो, थोड़ा टाइम लो, उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो, समझो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या कहीं सच में तो आपसे कोई गलती नहीं हुई, क्या सही तरीका है इस पे रिएक्ट करने का, उसके बाद उन्हें रेस्पॉन्ड करो। क्योंकि किसी को भी गुस्सा पसंद नहीं होता और गुस्से में कई हर बात बुरी ही लगती है, इसीलिए आपके गुस्सा होने से आपको कभी अपने फेवरेट आउटकम नहीं मिलते। सो जब आप अपना टाइम लेकर अच्छे से सोचकर शांत दिमाग से सारी बातें सॉर्ट आउट करते हो तो लोग आपके पर्सपेक्टिव को भी समझने का ट्राई करते हैं और आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी गुस्सा आए इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करने के बजाय एटलीस्ट 10-20 मिनट वेट करो, उस पर्सन से बोलो कि मैं थोड़ी देर बाद इस बारे में तुमसे बात करूंगा, और अपने अकॉर्डिंग टाइम लो, फिर सारी बातों को अच्छे से समझने के बाद रेस्पॉन्ड करो। लर्न टू लेट गो। जो लोग अपने गुस्से की वजह से लोगों के साथ गलत रिएक्ट करते हैं उन्हें हर्ट करते हैं, उससे भी ज्यादा गलत होता है जब लोग अपने गुस्से को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो कन्वर्सेशन को एंड कर देते हैं, ना कभी सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं, ना ही खुद की फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, बस अपने अंदर ही अंदर गुस्सा करके खुद का नुकसान करते हैं, जो कि उन्हें और भी ज्यादा पेन और फ्रस्ट्रेशन देता है और वो अंदर ही अंदर खुद को हर्ट करते रहते हैं। बुद्ध का कहना था कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप खुद ही जलते हैं।
अगर आप अपने अंदर के गुस्से को खत्म करना चाहते हो तो उसका सिंपल सोल्यूशन है टॉक इट आउट। बात करो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई या आपने किसी से गुस्से में कुछ गलत बोल दिया जो आपको अंदर ही अंदर हर्ट कर रहा है, तो आपको सिंपली जाकर उस पर्सन से माफी मांग लेनी चाहिए। लोगों का मिथ है कि सॉरी वीक लोग बोलते हैं, बट सच्चाई ये है कि सॉरी बोलना और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना आपको मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली मैच्योर पर्सन दिखाता है। इवन अगर किसी और ने गलती करी है और वो आपसे सॉरी मांगता है तो उसके सॉरी को एक्सेप्ट करें। ये दिखाएं कि आप क्लोज्ड माइंडेड पर्सन नहीं है। रियली हमारी मानो तो आप किसी से भी कभी नफरत मत करो, सभी को सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग समझ के माफ कर दो, क्योंकि आपको भी पता ही है कि आप भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। दे वॉन्ट योर रिएक्शन। कई बार हमारा एंगर सिर्फ इंटरनल नहीं होता, हमारे गुस्से की वजह कई बार कुछ लोगों का हमें प्रोवोक करना भी होता है ताकि हम गुस्सा हो जाएं और उन्हें वो रिएक्शन दे जो वो चाहते हैं। और हम जाने अनजाने में ऐसे लोगों की बातों से प्रोवोक होकर गुस्से में रिएक्ट करते हैं, फिर हमें इसके लिए खुद ही बुरा फील होता है कि मुझे कितना गुस्सा आता है, और ये गुस्सा हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। इसीलिए ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपके गुस्से का रीजन आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज और फियर्स हैं या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको गुस्सा होने पर मजबूर करता है। आप उसे ठीक करो। जस्ट इमेजिन आप एक पार्टी में गए और कोई सबके सामने आपका मजाक उड़ाने लगा, आपकी इंसल्ट करने लगा, तो आपने कभी सोचा कि वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मोटिव क्या है? वेल, वो चाहता है कि आप उसकी बातों पर गुस्सा करो और वैसे ही रिएक्ट करो जैसा वो चाहता है। तो इसमें सामने वाले पर्सन की ही जीत होती है, और आपके आसपास वाले लोग भी आपको फिर बाद में इसीलिए कहते हैं कि यार हम उसे जानते हैं कि वो कैसा है, वो तो है ही बेवकूफ, बट तुझे उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या तुझे अपना लेवल नहीं गिराना चाहिए था। बट वहीं अगर आप कॉन्फिडेंटली रेस्पॉन्ड करते हो, उसकी बातों का जवाब देते हो बिना गुस्सा किए, तो ये शो करता है कि आप मेंटली कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। अब यहाँ हम आपको शरीफ बनने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो बता रहे हैं, क्योंकि लोग उसी को पोक करते हैं जिससे रिएक्शन मिलता है, और जिससे नहीं मिलता उस पे और ज्यादा एनर्जी ना वेस्ट किए वो खुद ही चले जाते हैं। ट्राई टू डू थिंग्स विदाउट क्रिएटिंग ड्रामा। ड्रामा क्रिएट करने से चीजें और खराब ही होती हैं। अब कुछ लोग नॉर्मल होने वाली बात पे भी ड्रामा क्रिएट करते हैं, और वहीं कुछ लोग ड्रामा से दूर रहते हैं, जिन्हें लाइट माइंडेड लोग कहा जाता है। यानी कि आप हमेशा ट्राई करो कि आप जितनी भी बातें करो या कुछ भी करो वो बिना कोई ड्रामा क्रिएट हुए हो सके। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्रामा। एक बहुत ही फेमस सेइंग है, इट डजंट मैटर व्हाट यू से बट हाउ यू से इट दैट मैटर्स। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, जहां हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, बट सही तरीका यह है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को अपने फेवर में करने के लिए या जैसा आप चाहते हैं वैसा आउटकम हो सके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप गुस्से से रिएक्ट ना करें, क्योंकि जैसे ही आप एंग्री होकर रिएक्ट करते हो सामने वाला आपके एंगर का इश्यू बना लेता है, और आप क्या कह रहे हो इससे हटकर वो इस पे फोकस करता है कि आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी टोन कैसी है, आपके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ एक्सपोज कर देती है। तो कई बार आपको गुस्सा आ भी रहा हो तो याद रखो कि बिना गुस्सा किए भी सामने वाले को समझाया जा सकता है जो आप कहना चाहते हो, क्योंकि ऐसा करने से आप कई बार अपने एंगर की वजह से अपना नुकसान करवा सकते हो। अपने एंगर को एक इमोशनल टूल की तरह यूज करो, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाओ, ना कि आपका एंगर आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगे। सो स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा एंड स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी एंगर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। Thank you for watching.